केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को गोवा में INS विक्रमादित्य पर सुरक्षा कर्मियों के साथ योग किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 26/11 हमले को कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने कहा कि हमने जो पहले गलतियां की हैं उसे अब नहीं दोहराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की समुद्री सीमाओं पर आतंकी हमले का खतरा आज भी बरकरार है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही कहा कि इस साजिश के पीछे एक पड़ोसी मुल्क की साजिश है जो वो भारत को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। INS विक्रमादित्य पर योग करने के बाद रक्षा मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि भारत 26/11 के आतंकी हमले कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चेताते हुए मुंबई हमले के दौरान जो चूक हमने की थी उसे फिर से दोहरा नहीं सकते हैं, इसलिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड हमेशा अलर्ट और सतर्क रहते हैं। बता दें कि युद्धपोत INS विक्रमादित्य एक समय देश की पश्चिमी जल सीमा की ओर गश्त लगा रहा है। पत्रकारों से जब राजनाथ सिंह से देश की समुद्री सीमा पर खड़े उतरने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुनिया के हर देश को पर्याप्त सुरक्षा रखनी होती है, हम भी इसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क का सवाल आता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत को अस्थिर करने के लिए वो नापाक हरकतें करता रहता है। राजनाथ सिंह ने शनिवार की रात INS विक्रमादित्य पर ही गुजारी और सबमरीन फ्रिगेट और एयरक्राफ्ट करियर की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द खतरे के बारे में उन्होंने कहा कि किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे आतंकी कहां से आते हैं, ये तो उनका क्या अंजाम होगा। अब देखते हैं कि कोई अगर इस तरीके से घुसपैठिया घुसने की कोशिश करता है तो भारत के सैनिक उसे किस तरीके से ढेर करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 News पर। हर्ष की रिपोर्ट।